छोड़ दिया, अब ये बेंगलोर जाएगा इसरो 15 दिनों के विशेष ट्रेनिंग के लिए। इसके लिए इनके गाइड टीचर सुमन वहाँ जी पे हैं। हमको मतलब अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बताया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा सबसे। ये दोनों राष्ट्रीय स्तर पर गए थे रोल प्ले प्रतियोगिता में भी, अभी जो दिल्ली में जा करके वहाँ से ही पुरस्कार दिए थे। आप अपने शिक्षकों पे भरोसा रखें, आप प्रतिदिन विद्यालय जाएं, आपके शिक्षक काफ़ी। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं द सर्च इंडिया न्यूज़। इस वक्त हम उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनपुर में हैं। बहुत सारे लोग तो बताते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन उसके अलावे कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ से बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्षेत्र में परचम लहराते हैं। उसी तरह का विद्यालय ये उच्च विद्यालय किशनपुर का है, जहाँ यहाँ के बच्चे हर समय हर क्षेत्र में अपना परचम लहराने का काम करते हैं। अभी हाल में ही 10 तारीख को एक इसरो में, जो कि भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एक लड़का, वो सिलेक्शन हुए हैं। इनका नाम क्या नाम है बाबू? प्रेम सागर कुमार। प्रेम सागर कुमार है, तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी तैयारी कैसी हुई और इनके शिक्षक और इनके घर वालों का क्या सहयोग था इसमें। अच्छा, तुम्हारा जो ये तैयारी था इसमें जाने का कब से था? सर ये टाइम फिक्स नहीं था कब से था, तो ये एग्ज़ाम हुआ वो इसमें एग्ज़ाम दिए। इस सफलता के पीछे सबसे ज़्यादा किनका श्रेय है? अपने गुरुजी का और मम्मी पापा का है सर। मम्मी पापा का, जो यहाँ जो मतलब पढ़ाई होता है तो सर लोग मतलब ये सब क्षेत्र में के बारे में अच्छा से पढ़ाते हैं, जानकारी अच्छा से देते हैं जी। तो जाने का तैयारी कब होने वाला है? जाने की तैयारी अभी तो लेटर नहीं आया है, बल्कि रिजल्ट आया है सर, तो जब लेटर आ जाएगा तो हम जाने की तैयारी करेंगे सर। हम चाहेंगे कि ये इसरो के बारे में जो भी देख रहे हैं छात्र हो या जो भी ऑडियंस देख रहे हैं उनको थोड़ा कुछ समझाने का प्रयास किया जाए। इसरो ये युविका कार्यक्रम के तहत है सर। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा सर। ये दिया जाएगा, लेकिन इसका इसमें जाने के लिए क्या मतलब किस टाइप से उसमें जाता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, इसके बारे में कुछ बताओ सर। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था जो कि 30 क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था जीके जीएस से। उसके बाद मतलब मार्क प्रमाण पत्र पे हुआ था, जैसे कि हमने 8 क्लास का मार्कशीट पर 50% हमको अंक दिया। फिर खेल कूद से जो प्रमाण पत्र मिला उससे, जो साइंस से प्रमाण पत्र मिला उससे जी सर, इन सबों से हमको मार्क मिला। और प्लस ये था कि सर जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों हैं उसको बोनस में 15 मार्क और दिया जी। बाकी इसरो में जाने के बाद फिर आगे तुम्हारा क्या लक्ष्य है कि फिर इंडिया के लिए कुछ करना है या कि इससे अलग हट के कुछ करना है? जी ये कोई हम वैज्ञानिक बने नहीं है सर, ये वहाँ पे हमको मतलब अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बताया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, यही सब सर। मतलब ये नहीं कि हम वैज्ञानिक बन गए हैं, ये नहीं सर। अभी बने नहीं है, बनना तो है, सिलेक्शन हो गया जी, रिजल्ट आ गया है जी जी। ये जो मतलब है ना इसरो युविका कार्यक्रम, ये मतलब इसमें बच्चों को साइंटिस्ट विज्ञान की तरफ मोड़ता है, विज्ञान की तरफ ज़्यादा फोकस करने के लिए मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है सर। तो अब यहाँ के सर लोग हैं, कुछ उनसे भी जानकारी लेंगे कि किस टाइप से आप इन बच्चों को पढ़ाते हैं और कैसा तैयारी कराते हैं कि आपके बच्चे हर समय पे अपना हर क्षेत्र में परचम लहराते हैं। सर सबसे पहले आपको स्वागत है। धन्यवाद। किस टाइप से यहाँ आप लोग पढ़ाते हैं सर, जो आपके बच्चे हर क्षेत्र में जाते हैं और अपना नाम रोशन करके आते हैं? देखिए, सरकार के द्वारा जो समय समय पे दिशा निर्देश विभाग के द्वारा मिलता है तो उस ढंग से हम लोग काम करते हैं, और जो सिलेबस की पढ़ाई हो तो होती ही है, उसके साथ साथ बहुत सारी प्रतियोगिता जो आयोजित की जाती है सब में बच्चों को मोटिवेट किया जाता है उसमें भाग लें, उसको तो इसकी तैयारी करवाई जाती है, और उसी का परिणाम है कि विद्यालय से हर एक साल बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में नेशनल लेवल तक जाते हैं। ये प्रेम कुमार के अलावा भी पता चला कि पहले भी कुछ लड़के यहाँ से बहुत सारे फील्ड में गए थे और अपना नाम इस विद्यालय का ही नहीं पूरा मतलब सुपौल जिला का और बिहार लेवल पे भी ऊंचे स्थान पे आए हैं जी। जैसे कि पिछले बार भी बाल विज्ञान कांग्रेस है, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर गया था और उसमें ओवरऑल 1 ग्रेड प्राप्त किया है बिहार में।
तो इसमें मोटे अनाजों की खेती पर यहाँ पे रिसर्च किया गया था कि किसान आखिर मोटे अनाजों की खेती को क्यों छोड़ रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी इस बार जो है पूरे दुनिया में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो जो टॉपिक होता है हम लोग का, एक उस पर बहुत अच्छी सी तैयारी करवाया जाता है, बच्चों को सोचने का मौका दिया जाता है, उसे काम करवाया जाता है, और उसी का परिणाम है कि वो बच्चे जो ग्रामीण परिवेश में हैं, जहाँ पर बहुत सारे चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों के बावजूद भी यहाँ से जिला, राज्य और देश स्तर तक अपना परचम लहरा रहे हैं। ये हम लोग के लिए खुशी की बात है कि हम लोग ऐसा करने में सफल हो पाते हैं और लगे रहते हैं। बाकी और भी जो बच्चे हैं जो इस विद्यालय में नहीं हैं, पूरे बिहार में हो या जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश क्या देना चाहते हैं कि वो भी अपना मुकाम हासिल करें, उस टाइप से तैयारी करें कुछ उनके लिए? बच्चों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने शिक्षकों पर भरोसा रखें, आप प्रतिदिन विद्यालय जाएँ, आपके शिक्षक काफ़ी मेरिटोरियस हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, और वो आपको पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप शिक्षकों के संपर्क में हैं, और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, जो भी बहुत तरह की विद्यालय स्तर पर भी गतिविधि आयोजित होती है, उसमें भाग लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मार्क मिलेगा, डिग्री मिलेगी तभी जाकर वो आपका पढ़ाई है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को निखारने में इन प्रतियोगिताओं का अहम योगदान होता है, और तभी जाकर आप बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति बन पाते हैं। इसलिए प्रतिदिन विद्यालय जाएं और विद्यालय की हर एक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तभी जाकर एक सफल इंसान बन पाएंगे और एक मजबूत राष्ट्र का एक नागरिक बन पाएंगे। सर, आप दो शब्द अपने प्रेम कुमार के लिए कहेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम सागर के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जे शुरू से ही बहुत ही मेधावी और रेगुलर छात्र रहा है। विद्यालय में इनकी उपस्थिति लगभग 100% रहती है, हर एक प्रतियोगिता में इनका हिस्सा होता है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और जो भी प्रतियोगिता होती है तो उस प्रतियोगिता में कम से कम इनका तो पुरस्कार जीतना तय है, और ऐसे भी इसके अलावा भी हमारे विद्यालय से बहुत सारे बच्चे नेशनल जाते हैं। पिछले बार 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में ही हमारे ही स्कूल की एक छात्रा दीपिका कुमारी और अभिषेक कुमार, दिखाइएगा अभिषेक कुमार, ये दोनों राष्ट्रीय स्तर पर गए थे। रोल प्ले प्रतियोगिता में भी अभिषेक कुमार और निराली कुमारी का था, जो दिल्ली में जा कर के वहाँ से ही पुरस्कार देते हैं। तो हम लोगों का ये कोशिश रहता है कि जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन है, जो भी प्रतियोगिता का आयोजन है, बच्चों को इस तरह से विकसित करें ताकि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें, और उनके गार्जियन को भी थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी छात्राएं हमारे नेशनल लेवल में गई है, तो उनके गार्जियन को भी थोड़ा मोटिवेट करना पड़ा है कि बच्ची अब किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, उनको आगे आने देना चाहिए, जिसका परिणाम आपको निराली कुमारी और दीपिका देखने को मिला कि राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपना परचम लहराया है, प्रतियोगिता में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। कहते हैं शिक्षक के साथ साथ घर के गार्जियन को भी अपना भूमिका निभाना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि पहला शिक्षा दीक्षा का जो कार्यक्रम होता है वो घर से ही स्टार्ट होता है। इसीलिए गार्जियन को भी चाहिए कि मेरा बच्चा किस क्षेत्र में रुचि रख रहे हैं, उस क्षेत्र में बच्चे को प्रोत्साहन दें और आगे बढ़ने में सहयोग करें। सर, आप प्रेम कुमार के लिए दो शब्द कहेंगे? प्रेम कुमार बहुत ही होनहार विद्यार्थी है मेरे विद्यालय का। ये 9th में जब आया उसी समय से ही पता चलने लगा था, जब पहला दूसरा दिन था। अब ये राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिता जीत चुका है, जिला स्तर, राज्य स्तर तो छोड़ दिया, अब ये बेंगलोर जाएगा इसरो 15 दिनों के विशेष ट्रेनिंग के लिए। इसके लिए इनके गाइड टीचर सुमन जी हैं, और हमारे जिला के विज्ञान में जितेंद्र जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सर, आप भी कुछ दो शब्द कहेंगे प्रेम कुमार जी के लिए? बिल्कुल। क्योंकि इसरो में जाके केवल विद्यालय ही नहीं, पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। बिल्कुल, आप उसका अभी जस्ट इंटरव्यू भी लिए हैं, सारे सर उनके बारे में बताएं। जहां तक मेरी बात है, चूँकि यह मेरा छात्र है, तो मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि ये अपने जीवन में और आगे बढ़े, अपना नाम करे ही, समाज का नाम करे, स्कूल का नाम करे, देश का नाम करे। हमारी शुभकामना इनके साथ है, हमेशा इनके साथ। मैं चाहूँगा एक बार प्रेम कुमार जी से कि आप जब एग्ज़ाम में गए थे तो उसमें पूरे बिहार से कितने लड़के मौजूद थे? सर, 23,000 ऐसे कुछ बच्चे थे। उसमें सिलेक्शन कितना का हुआ? 45 का हुआ सर।
45 का सोच सकते हैं। पूरे बिहार से 23,000 बच्चे में से मात्र 45 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और इस सुपौल जिला से कितना हुआ मात्र? सर ओनली 4 में मात्र यहां से प्रेम कुमार जी का हुआ है। तो बाकी इस बच्चे के लिए आपका क्या राय बनता है कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर दें। धन्यवाद।